तो दोस्तों ये है ऐसा अनोखा टूल जो आपका दिमाग वाकई ही हिला देगा। इस टूल की मदद से आप किलो को बड़े ही आराम से बिना हथौड़े के लगा सकते हो। 3 मिनट के अंदर इसका रिव्यू और डेमो दूंगा, बिना स्किप करे इस वीडियो को अंत तक देखिए। और ये टूल काफी यूजफुल है लेकिन साथ में थोड़ा सा खतरनाक भी है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। यदि वीडियो देखने के बाद में आपको लगता है कि आपके लिए काफी यूजफुल है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी, वहां पे क्लिक करके आप इसे अमेजोन से खरीद सकते हैं, क्योंकि ये टूल अमेजोन पे ही उपलब्ध है, मार्केट में ये मिल ही नहीं रहा। आपको फिर से बता रहा हूं, इस टूल का इस्तेमाल करेंगे तो हथौड़े को भूल जाएंगे कील ठोकने के लिए। तो दोस्तों जब आप अमेजोन से खरीदेंगे तो कुछ इस तरह के डब्बे के अंदर ये आएगा। वैसे तो पूरा कार्टन में पैक होके आता है, और जब हम इसे खोलेंगे तो आपको क्या क्या चीजें मिलते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ये सारा सामान इसके अंदर मिलता है। और ये है हमारी नील गन, इसे हम नील गन भी बोलते हैं। अमेजोन पे जब आप सर्च करेंगे तो इसे नील गन के नाम से ही आपको सर्च करना पड़ेगा। और इसके साथ में ये कुछ साफ करने के लिए ब्रश मिल जाता है, और साथ में आपको मिलता है ये गॉगल, चश्मा। ये बहुत जरूरी है, जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो चश्मा लगाना बहुत जरूरी है। साथ में आपको एक्स्ट्रा एक्सेसरीज मिल जाती है जो कि इसके अंदर के पार्ट होते हैं, वो अभी आपको खोल के दिखाता हूं। और ये ऑयल मिलता है, ये ऑयल आपको इसमें डालना पड़ता है ताकि ये स्मूथ काम करे। ये देखिए इस तरह से ये काम करता है, तो ये स्मूथ काम करे इसलिए ये ऑयल साथ में दे रखा है। और साथ में आपको मिलते हैं नील्स। ये क्या चीज है अभी भी आपको समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, जिनको पता है उनको तो समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए ये है नील्स, मतलब कि ये कीले है, और यहाँ पे इसमें लगा हुआ है बारूद और ये है कील। ये इनडायरेक्टली इस टूल की मदद से दीवार में, लोहे में, कहीं पे भी आप इससे छेद कर सकते हो, यहाँ तक कि बड़े से बड़े लोहे के पाइप में, कंक्रीट के अंदर, दीवार के अंदर बड़ी आराम से इससे इस्तेमाल कर सकते हो इनडायरेक्ट, वो मैं अभी आपको डेमो दिखाऊंगा। और साथ में आपको इसकी पुस्तक मिलती है किस तरह से आपको यूज करना है, कैसे करना है वगैरह वगैरह, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और कई बार जब ये इस तरह से जाम जाती है, स्मूथ नहीं चलती है, तो आपको यहाँ से इसे खोल लेना है। ये देखिए यहाँ से खुल गया, ये देखिए ये चीज भी आगे से खुल गई, और यहाँ से भी ये चीज खुल जाती है। ये देखिए ये चीज यहाँ से खुल गई, ये स्प्रिंग है इसके अंदर, ये पार्ट अलग हो गया। और ये देखिए ये यहाँ पे एक पार्ट लगा हुआ है, इसमें से ये कील निकाल दोगे तो ये पार्ट अलग हो गया। इसके अंदर आपको ऑयल डालना होता है ताकि ये स्मूथ चले। तो चलिए मैं यहाँ पे ये ऑयल लगा लेता हूँ इसमें। ये देखिए ये ऑयल को इस तरह से यहाँ पे लगा लेना है आराम से, और इस तरह से वापस इसे इंस्टॉल कर लेना है जैसे आपने इसे निकाला था। और उसके बाद इस कैप को यहाँ पे लगा के और इसे यहाँ से बंद कर लेना है, लेकिन उससे पहले आपको ये स्प्रिंग यहाँ पे लगा लेनी है, और इस स्प्रिंग को लगाने के बाद में इसे बंद कर लेना है। तो ये हो गई हमारा नील गन वापस रेडी। और ये वाला ब्रश दे रखा है ताकि ये जो है यहाँ पे ये इसे आप साफ कर सको। ये ब्रश सिर्फ इसके मुंह को साफ करने के लिए दे रखे। तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया कि ये चीज काई के लिए है, ये एक्स्ट्रा पार्ट दे रखे ताकि इसमें से कोई चीज खराब हो जाती है तो आप इसमें लगा सकते हो। अब चलिए मैं आपको इस नील का कमाल दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम आने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये दीवार में मैंने ऑलरेडी एक कील लगा रखी है इस गन की मदद से ही, तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए और एक कील यहाँ पे लगाता हूँ। तो इस कील को सबसे पहले मैं इस गन में डाल देता हूँ। इस गन में डालने के बाद में आपको इसे दीवार पे इस तरह से पकड़ लेना है और इसे जोर से पुश करना है पीछे की तरफ। और जैसे ही हम इसे जोर से पुश करेंगे पीछे की तरफ तो एक जोरदार साउंड आएगा यहाँ पे, दिवाली पे फटाके वाली जो बंदूक लेते हैं उस तरह का साउंड इसमें आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये देखिए जैसे ही मैंने इसे पुश किया ये कील अंदर चली गई और ये पूरी की पूरी कील अंदर गई, बिल्कुल बाहर नहीं है। तो इसकी मदद से आप कोई भी चीज़ को टांग सकते हो, किसी चीज़ को हैंग करना है, किसी भी चीज़ को लगाना है तो आप इसकी मदद से बड़े ही आराम से लगा सकते हो, चाहे दीवार आपकी कंक्रीट की हो या ईंटों की हो, जैसे कि हमारी ये दीवार ईंट की है। तो देखिए ये है मेरे पास में लोहे का पाइप जिसे हम कई चीज़ें बनाने में काम में लेते हैं, जैसे कि लिफ्टिंग टूल और वगैरह बनाने के काम में लेते हैं, तो ये वही वाला पाइप है। और इस पाइप के अंदर इनडायरेक्टली छेद हो जाएगा इसके ज़रिए। तो देखिए इसे भी इस्तेमाल करने के लिए मैं ये गन के अंदर नील लगा देता हूँ, मतलब कि कील लगा लेता हूँ, और उसके बाद में मैं इस पाइप के ऊपर इसे इस तरह से पकड़ूंगा और ज़ोर से पुश करूँगा तो देखिए ये पाइप के आर पार कील निकल जाएगी। तो देखा कितना जोरदार साउंड भी हुआ और कील जो है बिल्कुल आर पार निकल गई। तो इस तरह से ये टूल काम करता है। तो देखा दोस्तों कि कितना यूजफुल ये टूल है, बिना हथौड़ी के कील को बड़े आराम से घुसा देता है, लेकिन आपको कीले इसी की चाहिए होगी। और इस तरह की कील भी आपको अमेजोन पे बड़े आराम से मिल जाती है, 50-100 का पैकेट आपको मिल जाता है, आप उसे भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है इस टूल की भी, इन कीलों की भी, जो भी आपको चाहिए आपके जरूरत के हिसाब से आप ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि ये थोड़ा सा खतरनाक कैसे है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि आपने इसका डेमो देख करके ही आपको पता चल गया होगा कि ये खतरनाक कैसे है, हालांकि मैंने इसे प्रैक्टिकल करके नहीं देखा, लेकिन अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं। तो दोस्तों अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि इस गन की मदद से इस कील को इसमें डालने के बाद में अगर हम इसे हाथ से प्रेस करेंगे तो ये सामने वाले को लगेगी या नहीं लगेगी। तो देखिए अब मैं इसे हाथ से प्रेस करके देखता हूं, तो देखिए ये बिल्कुल नहीं उड़ी, बल्कि ये इसमें से निकल के नीचे गिर गई। और एक बार ट्राई करते हैं,
तो देखिए दूसरी बार में भी ये बिल्कुल नहीं उड़ी और ये नीचे गिर गई बाहर निकल के। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सेफ है सभी टेक्नीशियन के लिए, मतलब कि ये एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ टूल है और इसे टूल के हिसाब से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये उस केस में बिल्कुल नॉर्मल है, ये नहीं लगेगा जब तक ये प्रॉपर तरीके से इस पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, जब हम इसे दीवार पे या हम जमीन पे या कहीं पे भी रख के इसे प्रॉपर तरीके से प्रेशर नहीं देंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि ये खतरनाक नहीं है, काफी यूजफुल है। और जिनको कीले ठोकनी होती है अपने काम में सबसे ज्यादा, तो वो लोग ये टूल ले सकते हैं, क्योंकि कील ठोकना अब इसके जरिए बड़े ही आसान हो जाएगा, एक ही बार में पूरी कील चली जाएगी, बार बार हथौड़ी से मारने की या टेढ़ी मेढ़ी होने की जरूरत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, जब भी नया वीडियो डालेंगे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।